साथी नमस्कार। आजकल जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में एक्चुअली होता क्या है कि डॉग्स को इचिंग हो ही जाती है, और छोटी मोटी भी अगर डॉग ने इचिंग की और इचिंग करने के बाद वहाँ पर घाव होगा ही होगा, ये भी तयशुदा बात है। तो इचिंग के घाव आप किस तरीके से ठीक करें? नॉर्मल घाव की जो दवाएँ आती है, बहुत सारे स्प्रे और बहुत सारी दवाएँ हमने अलग अलग वीडियो में आपको जानकारी दी है, तो मोहन भाई वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना कि नॉर्मल जो डॉग वाउंड है उसे कैसे ठीक किया जाए। लेकिन भाई सबसे बड़ी जो चुनौती रहती है वो रहती है कि अगर खुजली की वजह से घाव हुआ है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे, ये बड़ी ही भयंकर समस्या रहती है। और इस समस्या से निजात पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डॉग्स के लिए भाई ये खतरा होता है, धीरे धीरे करके ये घाव बड़ा कर देता है वो, और फिर वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसा मलहम बताऊंगा जिसको अगर आपने लगा दिया, और एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि वो मलहम बहुत गजब का काम करेगा। तो देखिए, पहले मलहम की बात कर लेते हैं। एक पाउडर है, और उस पाउडर को हमें इन तीन चीज़ों में मिलाना है। वो तीन चीज़ें क्या है? नंबर वन, नारियल का तेल। नारियल का तेल आपको लेना है, और ये नारियल का तेल लेना है आपको तीन भाग। कितना लेना है? तीन भाग। यानी कि नारियल के तेल के कितने भाग करेंगे आप? तीन भाग आपको नारियल का तेल लेना है, क्योंकि इसमें तीन ही चीज़ें अन्य मिलेगी। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए पेस्ट बनने में दिक्कत हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो तीन भाग आपने नारियल का तेल लिया, उसमें एक भाग आपने मिला दिया हल्दी। तीन भाग नारियल तेल में एक भाग आपने हल्दी मिला दी, और साथ में एक भाग आपने ले लिया कपूर। जी हाँ, आरती कपूर। आरती कपूर आप सभी जानते हैं। तो इनको आपने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया। अगर पेस्ट बना रहे हैं, मान लीजिए कई बार लूज ना हो, तो आप थोड़ा बहुत तेल और ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने पेस्ट बनाया। इस पेस्ट में थोड़ा सा, यानी कि एक भाग ही मान लीजिए, आपको एक पाउडर मिलाना है जिसका नाम है नेबा सल्फ। जी हाँ, ये ड्रेसिंग पाउडर आता है नेबा सल्फ। ये बहुत ही शानदार है, और एक भाग नेबा सल्फ आपको लेना है, और सभी को मिला करके अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और ये पेस्ट आप उस घाव पर लगाइए, लेकिन आप जो ही लगाएंगे डॉग चट कर जाएगा। तो इसीलिए आधा पौन घंटे तक आप ध्यान रखिए कि किसी भी सूरत में चाटे नहीं, और साथ में ऐसा प्रबंध कीजिए कि उसको खुजली जब आप ये लगा रहे हैं तो उन दिनों में, जो दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन आप लगाएंगे, उन पाँच दिनों में किसी भी सूरत में खुजली ना हो। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी वेट की सलाह से खुजली को रोकने के लिए कोई टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ छोटी सी एक टैबलेट के बारे में बताऊं, तो वो टैबलेट है फ्रेंड जेलटेक टैबलेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जेलटेक टैबलेट है ये खुजली को बिल्कुल कम कर देती है। ये देखो, ये आप ले सकते हैं जेलटेक टैबलेट, साथ में ले लीजिए, सिट्रिजिन की है, और ये डॉग्स में अच्छा काम करती है। 20 केजी पर एक टैबलेट दी जाती है, सुबह सुबह दे दीजिए। तो उससे क्या है कि ज़्यादा इचिंग नहीं करेगा, तो भाई जल्दी ठीक होगा। तो आप मलहम को चाटने मत दीजिए, इचिंग के लिए ये दे दीजिए नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से। और ये काम अगर आप करेंगे ना, तो खुजली की वजह से जो घाव हुआ है उसे आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप डॉग डिजीज़ के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं, हर बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा डॉग ऑनलाइन सेशन इसी महीने की 11 तारीख से शुरू हो गया है। तो आप अगर चाहें, हो रहा है, तो आप अगर चाहें तो भाई उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। 1234 OTP है, और वहाँ जा करके आप रात को, हाँ, वहाँ डॉग डिजीज सेशन में रात को 10 से 10:30 के बीच मैं लाइव भी आता हूँ। तो हमारा जो सेशन है वो अलग चलता है, और फ्री लाइव अलग आता हूँ। तो हमारे सेशन में जो लाइव क्लासेस होगी वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं रात से 10 से 10:30 के बीच, और अपना जो भी प्रश्न हो उसका जवाब वहाँ पा सकते हैं।